नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है एक्सपीरियंस अपना। तो दोस्तों ये देखिए, ये है नॉन ब्रांडेड हेडफोन जो कि आपको मार्केट में 30 या 40 रुपए में मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास ये दो हेडफोन्स है जिसे मैंने मार्केट से ख़रीदा है 40 रुपया से। हाँ दोस्तों, दो हेडफोन का 40 रुपया लिया है। दोस्तों ये दो हेडफोन्स का 40 रुपया इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो मॉडल है वो मॉडल आजकल नहीं चलता है दोस्तों। अगर जान पहचान वाला होगा तो आपको फ्री में ही शायद दे देगा। तो दोस्तों आज हम जो आइडिया आप लोगों से शेयर करने वाले हैं वो आइडिया आप लोगों को 100% पसंद आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस वाइट हेडफोन का जो स्पीकर वाला पार्ट है उसे मैंने खोल लिए है कुछ इस तरह से, देख लीजिए दोस्तों। अभी हमको इस स्पीकर वाला जो पार्ट है उसमें देखिए स्टील कलर का निकलिंग किया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो इस कॉलर का ऊपरी हिस्सा है इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा, मतलब इसका अंदर में जो प्लास्टिक है उसे निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मैं ब्लेड से कर रहा हूँ, आप चाहो तो दीवार में भी इसका घिसाई कीजिएगा तो भी हो जाएगा, मतलब इसके अंदर का जो प्लास्टिक है उसे निकालना पड़ेगा। और प्लास्टिक निकालने का वजह यही है दोस्तों, इसमें जो हम ग्लू फेविक्विक ग्लू का यूज़ करेंगे तो दोस्तों ग्लू जो है हमारा अच्छी तरह से सेट होगा। तो दोस्तों सैमसंग का ये वाला हेडफोन तो सभी के पास होता है और दोस्तों इस हेडफोन का जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैंने सोचा इसी में ही जो है मैं बना लूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो छोटे छोटे होल दिखाई दे रहा है, आपको इसे लगाते वक्त इस होल को जो है आपको ध्यान में रखते हुए इसे लगाना पड़ेगा ताकि इस होल में दोस्तों ग्लू जो है फेविक्विक ग्लू इस होल के अंदर ना जाए। तो देखिए मैं किस तरह से लगाता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ग्लू जो है इसमें लगाइएगा, ज़्यादा मत डालिए नहीं तो वो ज़्यादा डालने से आपके हेडफोन का जो छोटे छोटे होल रहता है उसमें घुस जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं इस तरह से लगाता हूँ, एकदम धीरे धीरे लगाइएगा ताकि ग्लू जो है मिडिल हेडफोन का मिडिल पोजीशन में ना जाए। अभी दोस्तों आपको स्पीकर का जो चारों साइड में छोटे होल दिखाई दे रहा है, इस होल में दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके आपको ग्लू लगाना पड़ेगा ताकि स्पीकर का जो साउंड है वो आउटसाइड से ना निकले दोस्तों। तो दोस्तों ये जो फेविक्विक ग्लो है इसे आपको थोड़ा थोड़ा ही लगाना है ताकि इसके अंदर में जो है ग्लो ना चला जाए। इसके अंदर में ग्लो जाने से दोस्तों आपका जो स्पीकर है वो ख़राब हो सकता है, जिसके चलते दोस्तों स्पीकर का साउंड प्रॉपर नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा दोनों स्पीकर जो है रेडी हो गया है। तो दोस्तों अगर आप इसे ट्राई करते हो तो गारंटी आपको भाई का याद ज़रूर आएगा। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।